और कीड़ा फिर इसे डिकम्पोज करेगा, जबकि बोतल में जब आप बनाएंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, आसपास फैलेगा नहीं, कोई दुर्गंध नहीं होगी और ये बहुत शानदार ढंग से बन भी जाएगा और एकदम सिस्टम से काम करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके घर में बचे हुए जो चावल होते हैं उसे हम फेंक देते हैं, बट आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर बहुत इजीली, और इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा। अगर आपके प्लांट में कीड़े वगैरह लग रहे हैं, मिलीबग लग रहे हैं, तो उनका उपचार करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आज बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और मेरे साथ होने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो बताएंगे कि आखिर इसका इलाज कैसे करते हैं मिलीबग्स और कीड़े वगैरह का। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, फिर वही दिल लाया हूँ आपके लिए हमेशा, आपकी हर तरकीब को कि कैसे आप पौधों की सुरक्षा में आसानी महसूस करेंगे, इसी लिहाज से सारी तरकीब को लेके आता हूँ। और ये सारी तरकीब हमारी शुरू होती है किचन से टेरेस को कनेक्ट करने का, लेकिन जब हम ये सारी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम फील्ड फार्मिंग की ओर भी जाते हैं तो वहाँ भी ये सारी एक्सपेरिमेंट हमने करके जब ओके पाते हैं फिर हम आपको बताते हैं। ये हमारा एक भिंडी का पौधा है जो लगभग मेरे हाइट के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और इस पर हम सारी तरकीबें कर रहे थे कि किस तरह के माहौल में इसको रखेंगे तो ये कैसा रिजल्ट देगा और कौन से कीड़े इसमें लग रहे हैं और किस कीड़े में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी तरकीब को करने के बाद जब हमने देखा कि इस पर सही सब चीज़ चल रहा है तो फिर मैं सोचा कि आप लोगों से भी ये बात शेयर करूं। ज़्यादातर समस्या आती है कि छोटे छोटे कीड़े जो सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं हैं, वो आते रहते हैं और इस तरह के पत्तों को काटते हैं, या यहाँ पर एक मिलीबग चिपक जाता है, या कभी आप देखेंगे कि ब्लैक एफिड भी चिपक रहा है। ये सारी चीज़ें आती रहती है आपके यहाँ। ये दो समय में ज़्यादा होता है, एक तो जब चेंजिंग का माहौल हो, जब खेत कट गए हों उस समय, साथ में जब बारिश का समय होता है उस समय भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो मैं आपके लिए लेके आऊँ कि घर से निकलने वाले कचरे में से यदि आपका कभी चावल भी बच रहा है तो इस चावल का उपयोग यदि आप पशु पक्षी के लिए करते हैं तो बिल्कुल ताज़ा दीजिए उनको भी, क्योंकि ये यदि आप ज़्यादा देर रखेंगे फंगस हो जाएगा, फफूंद आ जाएगा, और फिर आप गाय को भी देंगे या भैंस को देंगे या जानवर को देंगे तो उनको भी नुकसान पहुँचेगा, उनके भी पेट में बफारा आ जाएगा और उनको दस्त होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप यदि ताज़ा हो सके तो उनको दीजिए, या फिर यदि उस स्टेज से निकल गया और आप देख रहे हैं कि सड़ गलने लगा है तो आप इस तरह से एक बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला बायो एंजाइम है और प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है। इस फार्मूले को मैं आज शेयर करूँगा, और यहाँ जो ये ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हैं अभी सेमी ट्रांसपेरेंट है, और ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ जम रहा है नीचे की ओर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका लिक्विड आप स्टोर कर लेंगे, और इसी का एप्लीकेशन है और यही हमने इसमें डाला हुआ है अपने भिंडी के प्लांट में। तो आज मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप कैसे बनाएंगे, और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये बायो एंजाइम है और आपके लिए एकदम शानदार काम करेगा आपके इन पौधों में छोटे छोटे कीड़ों के लिए। तो आइए सीखते हैं कि कैसे ये बनता है। जी हाँ, ये घर का पका हुआ चावल है, यदि आपके पास पका हुआ चावल बच रहा है तो उसको भी ले सकते हैं, थोड़ा पुराना गला सला हो तो वो भी ले सकते हैं, साबुत यदि अच्छा हो तो भी वो भी ले सकते हैं। दूसरी हमारी चीज़ होती है गुड़। अच्छा। बारी बारी मैं बात करता हूँ गुड़, तो ये एक बहुत अच्छा और एकदम आसान से उपलब्ध होने वाला एक घटक है जो इसके साथ हम जब ऐड ऑन करते हैं तो इसको ये डिकम्पोज करना शुरू कर देता है और ऐसा बायो एंजाइम तैयार करने में ये सहायक होता है। अच्छा। तो इस फार्मूले को आप देखिए कि कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक प्लास्टिक का बोतल लेना है, और ये बोतल लगभग 2 लीटर का आप ले सकते हैं। 2 लीटर के बोतल में जो हमारी रेसिपी है 300 ग्राम तक का ये चावल ले लीजिए आप। 300 ग्राम चावल ले लें। हाँ जी ठीक है। और 100 ग्राम गुड़ लेके आप ऐसे यदि बोतल में जाने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है तो आप ऐसा ये ओवरनाइट रख दीजिए, ये घुल जाएगा पूरा घोल के। हाँ ठीक है, घुल जाएगा। लोग पूछते हैं कि कैसे इसमें डालूं, तो मैं उसी रेसिपी को बता रहा हूँ, ये घुल जाएगा। और घुलने के बाद आप इसमें आसानी से डालिए और चावल को इसके अंदर डालिए, और ये 80% तक भरना है आपको। एक डेट नोट करना है, ठीक है ना, एक डेट नोट करके आप इसको छोड़ देंगे, एक बार चेक कर दीजिए। शुरुआत में इसमें गैस बनता है क्योंकि ये बायो एंजाइम है, तो शुरुआत में आप इसे बाहर की ओर ऐसे इस तरह से रिलीज़ करेंगे तो ये गैस निकलेगा और फिर इसे बंद कर देंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ को डिकम्पोज करने का 2 फॉर्मेट है, एक तो है एयर टाइट, जब हम बिना ऑक्सीजन का बना रहे हैं तो ये गैस के थ्रू ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा होता है एयर के साथ। एयर के साथ
एयर के संपर्क में जब भी आएगा तो यहाँ कीड़े बनने लगेंगे, ठीक है, और कीड़ा फिर इसे डिकम्पोज करेगा। जबकि बोतल में जब आप बनाएंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, आसपास फैलेगा नहीं, कोई दुर्गंध नहीं होगी, और ये बहुत शानदार ढंग से बन भी जाएगा और एकदम सिस्टम से काम करेगा। ये जो ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हैं ये आपके काम का है। ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट अभी काम हो रहा है, तो लगभग ये 3 महीने के बाद बनता है। तो हमने ये 13/6/2020 को बनाया है लॉकडाउन के टाइम में, जून महीने में बना है, ठीक है। तो अभी अगस्त का लगभग 20-21 तारीख हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका हाफ से भी ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो चुका है, और लगभग और 1 महीना लगेगा तो ये बन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर इसे छानेंगे और इसको छान के यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ कैसे करना है उसके बारे में भी बात होगी। इसके पहले एक बार ये और चलते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एक बार ये गुड़ का रस को इसे मिक्स कर देंगे अपने चावल में, 300 ग्राम तक चावल है, 100 ग्राम तक गुड़ है और 80% तक पानी है। इस तरह से मिक्स करके आप दे सकते हैं, या फिर चावल इसमें बोतल में डाल के और ये गुड़ का रस आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो चावल वाइट था वो इस कलर में आ गया, अब इसके अंदर डालना है और करना है। ओके, बस ये हम इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल देंगे, बॉटल के अंदर डाल देंगे और डेट लिख के 90 दिन तक छोड़ देना है इसे। बीच बीच में आपको गैस रिलीज करना है, वो 2, 4, 6, 8, 16 ऐसे करके आपको देखना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा गैस निकलने की प्रक्रिया कम होती जाएगी। अच्छा जी, और कई लोगों का सवाल ये होगा कि जो हम चावल का पानी जिसे हम माड़ बोलते हैं, अगर उसका यूज़ भी कर सकते हैं क्या? माड़ का दूसरा फॉर्मेट में यूज़ मैं बताऊंगा और बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो आपके लिए आएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको तरकीब दूंगा। बाकी ये बनने में लगभग 90 दिनों का टाइम लग जाता है? हाँ, लगभग 90 दिन लग जाता है, थोड़ा प्लस माइनस 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 90 डेज में बहुत शानदार बन जाएगा। और डालने का एक बार तरीका बताइएगा दोबारा। जी, डालने का तरीका बहुत ही आसान है। जब यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कुछ आने लगा है, या फिर प्रिवेंशन के तौर पर भी कि ये ना आए कोई उड़ने वाले कीड़े हो या चिपकने वाले हो या रस चूसने वाले हो, तो आप यहाँ पर ये डालेंगे तो ये जो माहौल है यहाँ पर जस्ट एक सैनिटाइजर जैसा बन जाएगा। अच्छा, हाँ, ये अल्कोहल जैसा बन जाएगा। तो पानी और मिक्स करके स्प्रे करना है? मिक्स करके स्प्रे करना है, क्योंकि बहुत हार्ड होगा। अच्छा। यदि आपने डायरेक्ट डाला बिना डाइल्यूट किए तो ये पौधा आपका जल भी सकता है। अच्छा। और जब आप डालेंगे तो चूंकि बायो है तो इस पर एंटी माहौल नहीं बनाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा को जानना जरूरी है। तो मात्रा ये है कि जब आप 1 लीटर पानी लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml तक डाल सकते हैं। 20 ml तक डालेंगे तो ये आपका जो यहाँ पर कीड़ा लग रहा है वो हटेगा, और यदि आप चाहते हैं कि पौधों की ग्रोथ भी बनी रहे तो आप हर 15 से 21 दिन में पूरे प्लांट में एक बारी 10 ml की मात्रा को लेकर 1 लीटर पानी में इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, या आपको पानी लगाना हो तो आप ज़मीन में भी दे सकते हैं। इससे ये ग्रोथ प्रमोटर जैसा भी काम कर जाएगा। किस तरह के पौधे के लिए ये कारगर है? ज़्यादातर सभी तरह के पौधों के लिए कारगर है। यदि इस तरह के छेद करने वाले कोई कीड़े आ रहे हैं, या आपको देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर चिपकने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो आप सभी में दे सकते हैं, और ग्रोथ का भी काम करता है, साथ में कीड़ों से बचाव का भी काम करता है। ज़्यादातर मिलीबग में भी आप डालेंगे, मिलीबग में भी बहुत शानदार काम करता है ये। तो किसी भी मौसम में डाल सकते हैं ये? हाँ, आप किसी भी मौसम में डाल सकते हैं, पर गर्मी में ये ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूट जो आप कर रहे हैं, हाँ, तो 20 ml के जगह में आप इसकी मात्रा को और कम कर सकते हैं। अच्छा। यदि आप पानी लगा रहे हैं तो उसमें भी मात्रा को कम कर सकते हैं। बारिश में और सर्दी में आप डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस समय में ये एडजस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा हॉट समर डेज़ है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हॉट समर डेज़ में अमूमन कीड़े नहीं लगते हैं। और ये समस्या आती है चेंजिंग के टाइम में, जैसे एक बार आएगी आपकी अप्रैल महीने के आसपास जब गेहूं की कटाई हो जाएगी, एक बार ये आपकी आएगी जब धान की कटाई हो जाएगी। उसमें रीज़न ये है कि खेत में कुछ भी नहीं है, तो सारे कीड़े जहाँ पर वो सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं वहाँ पर भी जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये समस्या आती है। तो बने रहें आप डेली ड्यूट्स चैनल में और देखते रहें सारी तरकीब को। जो भी शानदार चीज़ आपके लिए ले आऊँगा आपको ज़रूर पसंद आएगी, और फिर वही दिल लेके आपके समक्ष हाजिर हो जाऊँगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, फिर पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जाते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।